दोस्तों ये बात तो तय है कि जापान के सामने कोई भी देश डेवलपमेंट के मामले में पानी भरता हुआ ही नजर आता है कि नहीं दोस्तों। कहा जाता है कि हम अभी 2020 में जी रहे हैं तो जापान 2050 में पहुंच चुका है। दोस्तों आज हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन न खिसक जाए तो आप कहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये नए काम भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राइस पैडी आर्ट। दोस्तों वाकई में जापान के लोगों की सोच कहां तक जाती है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि जापान के लोगों ने एक ऐसी तरकीब निकाली है जिसकी वजह से वो खेती भी करते हैं और साथ ही साथ वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन दोस्तों ये देखिए यहाँ का नजारा। वाकई में दोस्तों क्या कोई सोच भी सकता है कि यहाँ धान की खेती हो रही है। दोस्तों इस फसल के बीच में इस तरह का डिजाइन तैयार करना जापान के लोगों के लिए आम बात है। जी हाँ दोस्तों, कई सालों से इस तरह की चीजें जापान में चलती हुई आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह के कलरफुल खेत देखने के लिए हर साल जापान में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपको मौका मिले तो आप भी इस जगह के नजारे देख सकते हैं। वाकई में दोस्तों क्या नजारा है। शूज लाइक बुलेट ट्रेन। दोस्तों इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जापान की पहचान बुलेट ट्रेन की वजह से भी होती है। जी हाँ दोस्तों, जब दुनिया के कई देशों में ट्रेन भी नहीं था तो जापान अपने देश में बुलेट ट्रेन चला रहा था। लेकिन दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं कि अब इस देश में बुलेट ट्रेन जैसे ही जूते मिलने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इन जूतों को पहनकर आप भी बुलेट ट्रेन की तरह भागने लग जाते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि जो जापान में बुलेट ट्रेन चलती है उसकी स्पीड है तकरीबन 198 मील पर आवर। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये टॉप स्पीड कमाल की है। लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ बुलेट ट्रेन की स्पीड ही नहीं, इसकी और भी चीजें हैं जो कि इसे कमाल का बनाती हैं, जैसे कि इनकी सीटें। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन बुलेट ट्रेन में आप जैसे चाहें वैसे अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब बुलेट ट्रेन तो बहुत मजेदार है, लेकिन ये बुलेट ट्रेन वाले जूते कैसे हैं? खैर ये तो पहनने के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जापान के लोगों में बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। जापान के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात जो जापान के लोगों की अच्छी नहीं है वो ये कि यहाँ के लोग हद से ज्यादा सिगरेट पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी ज्यादा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल है कि आखिर ये सिगरेट पीकर ऐश कहाँ फेंकते हैं? क्या ये उसे सड़क पे फेंक देते हैं जैसे कि हमारे देश में? तो आपको बता दें कि जी नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ के लोग अपने साथ ही ऐशट्रे लेकर चलते हैं। जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ लोग कीरिंग लेकर चलते हैं वैसे ही ये लोग ऐशट्रे अपने साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों वाकई में कमाल की चीज है। ये देखिए ना कैसे सिगरेट पीते हैं और वहीं पर ऐश को ट्रे में रखा और चल दिए। दोस्तों अब हम आपको जापान की एक और ऐसी चीज दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में यार ये तो सबसे अलग चीज है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा भी था कि जो हमर आप पोटेटो फ्राई खाते हैं वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपको हो सकता है कि मेरी बातों पे यकीन ना हो, लेकिन दोस्तों ये देखिए कैसे बनाया गया है इस पोटेटो फ्राई को ब्लैक कलर में। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपने एक बार इस फ्राई को खा लिया है तो आप इसे हमेशा खाना चाहेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी इस तरह का पोटेटो फ्राई बनाने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन दोस्तों लोकल जो जापान के लोग हैं उनका कहना है कि इस ब्लैक पोटेटो को आप जितनी मर्जी खा लें इससे आप कभी मोटे नहीं हो सकते। वैसे भी दोस्तों जापान के लोग मोटे होते ही गए, सिर्फ सुमो पहलवानों को छोड़ दिया जाए तो, है कि नहीं? दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई इंसान प्लेन से ट्रैवल कर रहा होता है तो किस चीज को लेकर उसे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हम तो खैर पहुंच ही जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, लेकिन हमारा सामान ठीक ठाक वहां पहुंच पाएगा या नहीं इस बात की टेंशन हमेशा रहती है। क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि एयरपोर्ट पे आपके सामान के साथ किस तरह की मिसहैंडलिंग होती है वो बहुत दर्दनाक होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जापान की कहानी ही अलग है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके साथ साथ आपके सामान की भी उतनी ही सुरक्षा की जाती है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कभी भी आपका सामान फेंका नहीं जाता, जो कि अक्सर हम दुनिया भर के हर एयरपोर्ट पे देखते हैं। दोस्तों हमारे देश में वेंडिंग मशीन आपको गिनी चुनी जगहों पे ही मिलेंगे और जो मिलते हैं उसमें भी दोस्तों या तो आपको कुछ चॉकलेट दिख जाएंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक, इससे ज्यादा दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलता है। बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि वेंडिंग मशीन का नाम वेंडिंग मशीन क्यों पड़ा है, हालांकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। खैर अगर बात करें जापानीज वेंडिंग मशीन्स की तो इस देश में 55 लाख वेंडिंग मशीन्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ आप इस मशीन से न सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स खरीद सकते हैं बल्कि यहाँ तो आप जो मन चाहे इस बड़ी सी मशीन से ले सकते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में वेंडिंग मशीन की मदद से आप घर का सारा सामान खरीद सकते हैं, आप जो चाहो ले सकते हो। वाकई में ये कमाल की बात है, आपको न तो मॉल जाने की जरूरत है न किसी स्टोर पे।
बस रोड साइड लगी किसी भी मशीन से आप अपना सारा सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों जापान आज जापान बना है तो उसके पीछे यहाँ की सरकार की ईमानदार पॉलिसीज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ आपको जो भी चीजें एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाती हैं वास्तव में वो आपको वैसी ही मिलती हैं जब आप उसे खरीदते हैं। दोस्तों यहाँ के बारे में एक बार बहुत मशहूर है कि अगर आप ईमानदारी से चलेंगे तो आपके पीछे ईमानदार लोगों की फौज खड़ी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तभी तो यहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी आपको ठीक वैसा ही खाना सर्व किया जाता है जैसा वो यहाँ के मेन्यू में दिख रहा होता है। दोस्तों ये देखिए कैसे यहाँ पे लोगों को प्यार से खाना खिलाया जा रहा है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि यहाँ पर खाने को सर्व करने के लिए किसी लड़के की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आपका खाना आपके पास खुद ब खुद चल के आता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ऐसा लगता है कि जैसे कोई ट्रेन चल रही हो। दोस्तों जापान में अगर आपने खाने के साथ छेड़छाड़ की तो फिर आपको जेल में डाला जा सकता है। दोस्तों ये बात तो सब जानते हैं कि जापान देश में जमीन की कमी बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि जब जमीन ज्यादा ना हो तो बड़े बड़े शहरों में कार कैसे पार्क करें, कैसे बाइक पार्क करें, ये एक बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान दुनिया का पहला देश है जिसने मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है। ये देखिए कैसे एक ही जगह पे हजारों कार्स को अलग अलग लेवल पे पार्क किया गया है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जापान में आपकी बाइक भी पार्क की जाती है सेम तरीके से। दोस्तों इसे कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी सेटअप। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान में आप कभी भी कहीं भी अपनी साइकिल पार्क कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि हर जगह आपको साइकिल पार्क करने की जगह भी मिल जाती है। दोस्तों इतना ही नहीं, जापान के लोग छाता लेकर भी घूमते हैं और इसलिए यहाँ पर आपको हर जगह छाते के भी स्टैंड्स मिल जाते हैं। कहा जाता है कि ग्रीन टी और छाता ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर जापान के लोग नहीं रह पाते। ये देखिए दोस्तों कैसे यहाँ पे छातों का स्टैंड बनाया गया है। दोस्तों अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखने के बाद आपको अपने स्कूल कॉलेज वाले दिन याद आने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन जापान में आपको अलग अलग कोन में एक से बढ़कर एक अलग अलग तरह की आइसक्रीम खिलाई जाती है और दोस्तों उसी में से एक है ये फिश वाली कोन। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आपको कैसा दिख रहा है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ नॉर्मल कोन नहीं है, इसे फ्राइड फ्रूट्स की मदद से बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों आप खुद ही देखिए कि ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन क्या इनोवेशन है, क्या शानदार तरीका है। किसी भी इंसान को इस तरह से कोन में आप आइसक्रीम देते हैं वो खुद ही चला आता है खाने के लिए। दुनिया में हर जगह अभी भी नॉर्मल कोन ही चल रहा है लेकिन दोस्तों जापान तो जापान है, ये कहीं ना कहीं इस देश की डेवलपमेंट को भी दिखाता है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं जापान का कैप्सूल होटल। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी होटल्स दिख जाते हैं जिसे देखने के बाद ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये होटल ही है या कुछ और। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन जापान में इस तरह के बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पर आपको बस लेटने तक की जगह ही मिल पाती है। वहाँ आपको जाना है, सोना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहा जाता है कि ये होटल्स बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाते हैं और यहाँ आपको सोने में कोई तकलीफ नहीं होती। दोस्तों ये वैसे ही होते हैं जैसे हमारे देश में ट्रेन की सीट होती है। आपको यहाँ इन कैप्सूल होटल्स में पूरी प्राइवेसी भी मिलती है। तो क्या आप जाना चाहेंगे इन होटल्स में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं जापान के स्मार्ट टॉयलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर यानी कि जापान में एक से बढ़कर एक टॉयलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यहाँ पब्लिक प्लेस में जो टॉयलेट्स हैं उनकी सफाई भी इतनी बेहतरीन होती है कि लोगों को यकीन नहीं होता कि टॉयलेट ही है और कुछ और है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी जानकारी दे दूं कि यहाँ के टॉयलेट्स में अलग अलग तरह के रिमोट्स लगे होते हैं जिनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बटन प्रेस करना होता है और उसके बाद सारी साफ सफाई ये खुद कर लेते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जापान में बिकने वाले स्मार्ट ब्रा से। जी हाँ दोस्तों, इसे स्मार्ट क्यों कहा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये ब्रा बहुत ही कमाल की चीज है। आपको बता दें कि जो भी औरत इस ब्रा को पहनती है वो हमेशा सेफ फील करती है। दोस्तों कहा जाता है कि ये ब्रा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की हार्ट बीट से चलती है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ये ब्रा तभी खुलती है जब लड़की को पता होता है कि वो उस लड़के के साथ है जिसे वो प्यार करती है। दोस्तों साथ ही स्मार्ट ब्रा की मदद से लड़कियों का लव टेस्ट भी हो जाता है क्योंकि अगर लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो ये ब्रा अपने आप ही खुल जाता है, नहीं तो नहीं खुलता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और जाते जाते अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।